होटल सागरीन की नई सौगात रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ सभी स्वादिष्ट व्यंजन वो भी एक ही छत के नीचे अब आपके सागर में, तो जरूर पधारें हनुमान मंदिर के पास सिविल लाइन सागर। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार सुबह बैठक बुलाई थी। लंपी वायरस के संबंध में मंत्रालय में यह बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अधिकारियों की बैठक में लंपी वायरस को गंभीरता से लेने के लिए कहा। वहीं आज प्रदेश भर के गौपालकों और पशुपालकों को उन्होंने संदेश भी दिया है। क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जरा आप भी सुनिए। मेरे प्रिय गौपालक और पशुपालक बहनों और भाइयों, हमारे पशुधन पर लंपी वायरस बीमारी के रूप में एक गंभीर संकट आया है। लंपी वायरस तेजी से मध्य प्रदेश में भी पैर पसार रहा है। हम अपने पशुओं को, विशेषकर गौ माता को मां मानकर पूजा करते हैं। गौ माता हो या बाकी पशु हो, हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करते हैं। आज जब वे संकट में हैं, तो हमारा कर्तव्य है हम इस संकट से उन्हें निकालने के लिए भरपूर प्रयास करें। इन प्रयासों में आप अकेले नहीं हैं, सरकार आपके साथ है, सरकार आपको पूरा सहयोग करेगी। इस बीमारी का टीका भी हम फ्री में लगा रहे हैं। इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन सावधानी आपको भी रखनी पड़ेगी। अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो हमारा पशुधन गहरे संकट में आएगा। बहरहाल मध्य प्रदेश में लंपी वायरस को लेकर राज्य सरकार अब अलर्ट मोड पर है, क्योंकि इस वायरस ने देश भर के हजारों पशुओं को अपनी चपेट में लिया है। मैं डॉक्टर दिलीप पटेल, पशुपालन विभाग उप संचालक पशुपालन। सागर जिले में जो लंपी वायरस का प्रकोप स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में अवगत कराना चाहते हैं कि आप लोग अपने पशुओं को घरों में बांध कर रखें, जिसमें भी गांठों के लक्षण या बुखार पाया जाए उन जानवरों को स्वस्थ जानवरों से बिल्कुल अलग बांधा जाए। हमारे विभाग के डॉक्टरों को तत्काल सूचित करें, जिला स्तरीय आरोग्य टीम का जो गठन किया गया है उसको सूचित करें, एवं एक नंबर जो कि अपने जिले का कंट्रोल रूम का दिया जाएगा, आप लोग उसमें तत्काल फ़ोन करें। हमारे डॉक्टर, हमारे AVFO उपस्थित रहेंगे, जो आपके पशुओं की तत्काल जाकर उपचार व्यवस्था करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस।